महेंद्रगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अमृत धारा में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण करवा रहा है। पार्क में प्रगति की सुंदरता को निहारने के लिए दो नए वॉच टावर भी निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को इससे काफी लाभ मिलेगा। अमृत धारा जल प्रपात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बरसात के समय तो जल प्रपात का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है, जिसे देख कर हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्या बताएंगे? 2021 में प्रारंभ हुई है बायोडायवर्सिटी पार्क है, जिसमें वन मंडल के अंतर्गत बिहारपुर रेंज में 111 हेक्टेयर में फेंसिंग किया गया है, जिसके अंतर्गत दो वॉच टावर है और एक एनिकट है और इंटरप्रिटेशन सेंटर है। साथ ही नरवा के अंतर्गत वहाँ तालाब भी बना हुआ है और इसके अलावा वहाँ चंदन की जो 25 हेक्टेयर में 27,000 समथिंग पौधा रोपण भी किया गया है। उसके साथ साथ इसमें नेचर ट्रायल का भी विकसित किया जाना है। साथ ही साथ वहाँ नेचर जो बियर का कैब भी है उपलब्ध है। इस तरह से जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उसके किनारे तीरथगढ़ मतलब अमृत धारा वाटरफॉल के नज़दीक तितली पार्क है, जिसको भी अभी विकसित किया जा रहा है। और इस तरह से ये जो इको टूरिज्म का एक अच्छा एक बढ़ावा देने के लिए अच्छा। अमृत धारा के पास बनाए गए तितली पार्क में भी आकर्षण का केंद्र है, जिसमें कई प्रकार के रंग बिरंगी तितलियां देखने को मिलेंगी। वहीं पर्यटकों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बना है, यहाँ पर्यटक सजीव चित्रों को देख सकते हैं। वन मंडल महेंद्रपुर के बिहारपुर में बनी चंदन नर्सरी पूरे छत्तीसगढ़ में केवल यही देखने को मिलती है। हंसदेव नदी के किनारे की काली पट्टी इस नर्सरी के लिए जरूरी है। बायोडायवर्सिटी पार्क में बने तालाब और एनिकेट जंगली जानवरों और पशु पक्षियों के विचरण करने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये जानवर शान से घूमते हैं, लिहाजा वन विभाग का ये कदम काबिले तारीफ है। वर्षों से उपेक्षित रहा यह जल प्रपात को सुधारने का जिम्मा वन विभाग ने उठाया है और अब देखना है कि इसके क्या सुंदरता में इसके क्या चार चांद लगते हैं। पंजाब केसरी के लिए सुजीत सिंह रैना की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। This is